name is Ed Dobson, and I'm here with my good friend and colleague, Dr. Mano Daniel. आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार. मेरा नाम डॉक्टर एड डॉब्सन है और मैं अपने मित्र और सहयोगी डॉक्टर मानो डैनियल के साथ में हूँ. We've been talking together about problems, and last time we talked about when bad things happen to good people. हम लोग हमारे जीवन की समस्याओं से कैसे व्यवहार करना है इसके विषय में बातें कर रहे थे, और पिछली दफा हमने देखा कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें होती है तो क्या होता है. And Mano, we discovered that God is still at work. और मानो हमने इस बात को पाया कि परमेश्वर तब भी कार्य करता है. We talked about when Satan opposes the work of God, God is still at work. हमने इस बारे में भी बात किया कि जब शैतान उन कामों का विरोध करता है या रोकता है, तब भी परमेश्वर कार्य करता है. And even when we make bad choices, God is still at work. और हमने ये भी देखा कि जब हम कई बार गलत निर्णय लेते हैं, तब भी परमेश्वर वहाँ कार्य करता है. This is what Paul is talking about in the book of Philippians. और पौलुस इसी विषय पर फिलिप्पियों की पत्री में कहता है. In verse 12, he says of chapter 1. और पहले अध्याय के 12वें वचन में वो कहता है. Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. हे भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि जो कुछ मुझ पर बीता है, उससे परमेश्वर के राज्य की ही बढ़ती हुई है. Paul is saying my personal circumstances have served to advance the gospel. और पौलुस कहता है कि मेरी व्यक्तिगत समस्याएं या परिस्थिति परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए कारगर हुई. And his personal circumstances were not pleasant. और उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियां वो सुखदायक नहीं थी. He had been arrested in Jerusalem. वो यरूशलेम में बंदी बनाया गया. He had spent 2 years in Caesarea in prison. वो सिसेरिया में 2 वर्षों तक बंदी के रूप में रखा गया. He was then sent to Rome on a ship. और उसे रोम भेजा गया जहाज में होकर. And the ship got into a terrible storm and was shipwrecked. रोम जाने के क्रम में बहुत बड़े आंधी तूफान में जहाज फंस गया और वो टूट गया, जहाज नष्ट हो गया. He finally arrives in Rome because he has appealed personally to Caesar. और किसी रीति से वो रोम पहुंचता है और कैसर के सामने आता है, कैसर से मुलाकात होती है. And he's chained between 2 Roman soldiers. और वो 2 रोमी सैनिकों के बीच जंजीरों से बांधा गया और जंजीरों से जकड़ा हुआ वहां पर रखा गया. And Paul says, in spite of all of this, the good news of the gospel of Jesus Christ has made progress. वो कहता है, इन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार आगे बढ़ा है. So in this session, Mano, we want to talk about what do you do when circumstances go against you. और इस भाग में हम इस विषय पर बात करेंगे कि हम तब क्या करेंगे जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में होकर कार्य करें. It's one thing to say God is at work and the good news is progressing, but what am I supposed to be doing? ये ठीक है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है जो भी की परिस्थिति हमारे विरुद्ध में है, लेकिन उस परिस्थिति में हमें क्या करना है. The first thing we learn from Paul is that we are to turn our circumstances into an opportunity to share Jesus. सबसे पहली बात जो हम पौलुस से सीखते हैं वो यह है कि हमारे जीवन की परिस्थितियों को हमको उस अवसर में बदलना है जिससे हम सुसमाचार प्रचार कर सकें, उसे आगे बढ़ा सकें. Notice in verse 13 what Paul says. ध्यान दीजिए 13वें वचन में पौलुस क्या कहता है. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के कारण कैद हूँ. The palace guard was called the Praetorian Guard. Praetorian. राजभवन के सारे जो पलटन थे वो प्रेटोरियन कहलाते थे. It was composed of 10,000 hand-picked soldiers. और ये पलटन 10,000 चुने हुए सैनिक हुआ करते थे. And their primary responsibility was to protect Caesar, the emperor. और इसका मूल कार्य ये था कि वो कैसर की रखवाली करे, उसकी हिफाजत करे.
And Paul says, as a result of his imprisonment, he has been able to share throughout the whole Praetorian Guard the gospel of Jesus. اور پولس یہ بات کہتا ہے کہ چونکہ وہ بندی میں ہے اس وجہ سے اس کے پاس ایک اوسر ملا جہاں پر وہ پورے پلٹن کو سوسمچار سنا سکے. وہاں موجود ہر کوئی ویکتی پولس کے دوارا سوسمچار سن پایا. So Mano, we should ask the question, well, was he successful? تب ہمیں یہ سوال کرنا ہے, وہ سفل ہوا یا نہیں؟ Did he make any impact on the Praetorian Guard? کیا اس نے اس پلٹن پر کوئی پربھاؤ ڈالا؟ کیا اس کے سوسمچار پرچار کرنے کا کوئی پربھاؤ اس پلٹن پر پڑا؟ And in chapter 4, verse 22, he gives us the answer. اور چوتھے ادھیائے کے 22 وچن میں وہ اتر دیتا ہے. وہاں ہم اس بات کا اتر کو سپشٹ ریتی سے دیکھ سکتے ہیں. All the saints send you greetings, especially those who belong to Caesar's household. سب پوتر لوگ وشیش کر جو کیسر کے گھرانے کے ہیں تم کو نمسکار کہتے ہیں, تمہیں میرا سلام. یہاں میں ہم دیکھتے ہیں کیسر کے گھرانے کے سب لوگ موجود ہیں. Whenever we face difficulties, our human tendency is to stop talking. اور ہماری منوبرتی ایسی ہے جب ہم کسی سمسیا میں پڑتے ہیں تو ہم باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں. We feel sorry for ourselves. ہم اپنے ہی جیون سے دکھت ہوتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. Our circumstances are overwhelming. ہماری سمسیاں ہمارے اوپر ہنستی اور آنندت ہوتی ہے, تب وہ ہمارے اوپر راج کرنے لگتا ہے. But this is precisely the moment when the good news of Jesus should be shared. لیکن یہی وہ اوسر ہونا چاہیے جہاں ہمیں سوسمچار سنانے کی آوشکتا ہے. Because the good news of the gospel of Christ that restores us to God, when it is given under adverse, difficult circumstances, it has an authenticity that cannot be denied. یشو مسیح کا وہ سوسمچار یدی جیون کے کٹھن پرستیوں کے سمے میں ہو کر ہم سنائیں تب اس کی ستیتا اور بھی زیادہ پرمانت ہو جاتی ہے. Mano, when everything is going well in my life and going good in my life, I can share the gospel. And you would probably say, well, that's nice. Mano, mere jeevan mein jab sab kuch behtar hoga aur sab acha chal raha hoga aur us samay yadi main susamachar sunau, to aap kahenge, haan, theek hai, iske saath to sab kuch theek hai, isliye acha hai. But if, like Paul, I've been arrested, falsely accused, shipwrecked, put in prison, chained between Roman soldiers, if I now share the good news, that means something. Lekin yadi Paulus ke saman main bandi banaya gaya hu, mujh par jhoota aarop lagaya gaya hai, jahaz toot gaya hai aur is prakar ki visam paristhitiyon mein hu, aur tab yadi main susamachar suna raha hu to nischay ye logo ke jeevan par prabhav dalega aur tab log sochne ke liye majboor honge ki ye jo keh raha hai wo kya hai. And Paul was always ready to give an answer for the hope that lay within him. Aur Paulus hamesha is baat ke liye taiyar rehta tha ki wo dikhne wali ummeed ke vishay mein lagatar ya jab bhi mauka mila uttar logo ko de. You know, a number of years ago I was diagnosed with a terminal illness. Pichle kuch varsh pehle chikitsa jaanch mein mujhe pata chala ki mujhe kuch aantarik samasya hai, kuch bimari hai. And one day I was asked to visit a woman who had the same disease and who was close to death. Aur ek bar mujhe ye avsar mila ki ek main mahila ke paas mein jaau, wo bhi usi bimari se grasit thi jisse main aur wo marne par thi. When I went into her home, I talked to her husband for a while. Aur jab main uske ghar gaya, tab main thodi der uske pati ke saath mein baat cheet karne laga. And then I said, well, let me go back to the bedroom and talk to your wife. اور تب میں نے اس کے پتی سے کہا, مجھے سمے دے کہ میں جا کر کے آپ کی پتنی سے باتیں کروں. And he said, she doesn't want to talk to you. تب اس نے کہا کہ وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہے گی. And I said, I don't care. I'm going back anyway. تب میں نے کہا, کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی میں جاؤں گا, باتیں کروں گا. And I talked to her for about 30 minutes and she never said a word to me. اور میں لگ بھگ 30 منٹ تک اس سے باتیں کیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کہی. And I went back many times to share the good news of Jesus Christ. میں کئی دفعہ اس کے پاس گیا یشو مسیح کے سوسمچار کو کہنے کے لیے.
and she wouldn't say anything or even look at me. और वो मुझसे बातें भी नहीं करती थी और ना ही वो मेरी तरफ देखती भी थी. Finally, Mano, I wrote out a prayer, the sinner's prayer, and I stuck it on her wall where she could see it. अंततः मानो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, एक पापी के पश्चाताप की प्रार्थना, और मैं पास के दीवार में खड़ा था जहां वो मुझे देख सकती थी. Early Sunday morning, her husband gathered out of bed and brought her into the living room. और रविवार की सुबह वो उसका पति जल्दी उठा और अपने लिविंग रूम में वो जाता है, और ये एकदम सुबह की बात है. And together they watch me on television. और वो मुझे टेलीविजन में देखता है. And after I was finished, she turned to her husband and said the following. और जैसे मैंने वहां पर प्रार्थना समाप्त किया, वो अपने पति की ओर मुड़ती है और उससे वो कहती है, I prayed the prayer Ed put on my wall. मैंने वो प्रार्थना किया है जो एड ने मेरे दीवार पर उस दिन लिख करके छोड़ दिया था, और अब मैं जाने के लिए तैयार हो चुकी हूं और मैं आगे जाना चाहती हूं. I think because I was going through what she was going through, she listened to what I had to say. मैं सोचता हूं जिन बातों से होकर के मैं गुजर रहा था, वो भी उन्हीं बातों से गुजर रही है, इसलिए वो मेरी बातों को सुनी. So when we go through difficult times, number one, use those opportunities to share the good news of Jesus Christ. इसलिए जब आपने जीवन के समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं आप, तो उसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करें और प्रभु के सुसमाचार को आप फैलाएं. आपके पास सुसमाचार आगे बढ़ाने के एक अच्छा अवसर है. And then number two, use those opportunities to encourage others. और इन अवसरों का आप इस्तेमाल करें और दूसरों को उत्साहित करें. In verse 14, Paul says the following. 14 आयत में पौलुस इस प्रकार से कहता है, Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. फिलिप्पियों का पहला अध्याय और 14 वचन में ऐसा लिखा है, उनमें से अधिकांश मेरे कैद में होने के कारण से हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का साहस करते हैं. Not only Mano are we to use our circumstances as an opportunity to share Jesus, but we're to use those circumstances to encourage others. हम इन परिस्थितियों का सिर्फ सुसमाचार सुनाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल ना करें, वरन इसके साथ ही साथ दूसरों को उत्साहित करने के लिए भी किया करें. Because of Paul's boldness, many of the brothers were encouraged to speak more courageously and fearlessly. पौलुस के हियाव के कारण दूसरों को और भी बल मिला कि वे भी बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को दूसरों के सामने में रखें. God uses adversity in our lives to bring encouragement to others. परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को आने की अनुमति देता है जिसके द्वारा हम दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं. Paul says the same thing in 2 Corinthians chapter 1. दूसरा कुरिन्थियों के पहले अध्याय में पौलुस इन्हीं बातों को कहता है. In verses 3 and 4. तीसरे और चौथे वचन में हम देखते हैं वहां ऐसा लिखा है, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. The Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और 3 और 4 वचन. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है. So when I face difficulties, number one, I must remember who God is. जब हम किसी प्रकार की समस्याओं में पड़ते हैं, तब हमें
ये बात याद करना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। He is the Father of compassion and the God of all comfort. वह तो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो दया करने वाला और शांति देने वाला पिता है। No matter what my circumstances, God still loves me. ये मायने नहीं रखती कि क्या परिस्थिति है, वो हमसे प्यार करता है। And no matter what my circumstances, He is the God of all comfort. चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, वो सब बातों में शांति देता है। And in the midst of those circumstances, He brings me comfort. और उन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में वो अपनी शांति मुझे देता है, तसल्ली देता है। Why does He comfort us? वो हमें क्यों तसल्ली और शांति देता है? Well, because He's the God of comfort. क्यों? क्योंकि वो शांति देने वाला है। But beyond that, so we can comfort and encourage others when they face difficulty. Yeah. लेकिन इससे आगे बढ़कर आप इस बात को भी सोचें, जब वो हमें शांति और तसल्ली देता है, तो हमें भी दूसरों को जो वैसे परिस्थितियों में पाए जाते हैं, हम अपने जीवन से उन्हें शांति दें। I have been encouraged to preach the gospel, and because I have, others are encouraged. आज मेरे पास वचन प्रचार करने का वो हियाव है, वो इस वजह से है क्योंकि मैंने दूसरों में वो हियाव देखा है। So when I face difficulties, number one, use those difficulties to share the good news of Jesus. जब हम किसी प्रकार के समस्याओं में पड़ते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करें सुसमाचार सुनाने के लिए। Number two, when I face difficulties, use those difficulties to encourage others. दूसरी बात, जब आप किसी प्रकार की समस्या में पड़ते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल करें ताकि उसके द्वारा आप दूसरों को उत्साहित कर सकें, उन्हें शांति दे सके और उत्साहित कर सकें। And then number three, use your circumstances as an opportunity to rejoice. और तीसरी बात यह है कि उस विषम परिस्थिति में आप एक अवसर ढूंढिए जिसमें आप परमेश्वर में होकर के आनंद मना पाएं, खुश हो क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. ये सही है। कई बार लोग नफरत में भरकर या ईर्ष्या की वजह से यीशु का प्रचार करते हैं, और कुछ लोग अच्छी मनसा से या भली मनसा से यीशु का प्रचार किया करते हैं, और बहुत से लोग प्रेम से वसीबूत होकर ऐसा करते हैं, इस बात को समझ करके कि हाँ, उसे सुसमाचार के लिए खड़े होने की आवश्यकता है, और कुछ लोग जो है अपनी वाहवाही के लिए यीशु का प्रचार किया करते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि भाई, मेरा नाम बढ़ने पाए, मैं ऊंचा उठूं, और जब समस्या आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। Paul says, Mano, there are two groups of people who are preaching Christ. मानो पौलुस बताता है, वहां लोगों के दो झुंड थे जो यीशु का प्रचार कर रहे थे। The first group is preaching Christ out of envy, strife, contention, and not sincerely. और पहला जो झुंड था, वो द्वेषपूर्ण होकर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और बेईमान से कर रहे थे। And the envy seems toward Paul. और उनके द्वेष का कारण पौलुस था। The strife seems toward Paul. और उनके मन की ईर्ष्या पौलुस के प्रति थी। The contention seems to be against Paul. वे पौलुस के प्रतिरोध में थे। For whatever reason, these people didn't like Paul. किसी भी कारण से हो, वे लोग पौलुस को पसंद नहीं करते थे। They were doing it in such a way as to just put Paul down. वे जो कुछ भी कर रहे थे, वे पौलुस को नीचा करने के लिए कर रहे थे। In fact, John Calvin, I want to quote him. Paul certainly says nothing here
which I have not myself experienced, end of quote. और जॉन कैल्विन इस बात को इस प्रकार से कहते कि पॉलुस कहता है कि यहाँ जो कुछ भी वो कर रहा है उन सारी बातों में वो अनुभवी, उन सारी बातों को अनुभव करने के बाद ही वो कह रहा है. Some of Paul's greatest opposition came from other Christians. और पॉलुस के लिए सबसे बड़ा विरोध मसीहों से ही आया. मसीही लोग ही थे जो पॉलुस का विरोध कर रहे थे. Which mano is a sad state of affairs. और मानो यह एक दुखद बात है. Paul was chained between two Roman soldiers. पॉलुस जो दो रोमी सैनिकों के बीच में बंदी बनाया गया, जंजीरों से जकड़ा गया. And there were people out there who were envious, contentious, and argumentative against Paul. और यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का झुंड है जो पौलुस से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसके विषय में बुरा सोचते हैं. We don't know exactly what they were saying. हमें ये नहीं पता कि वो क्या कहते थे. Maybe they were saying Paul deserves to be in prison. हो सकता है वो कह रहे हो पौलुस जेल जाने लायक ही है, वैसा ही काम करता है. Maybe they were saying if Paul really understood the gospel, why did God put him in prison? शायद कुछ लोग ऐसा कह रहे हो कि पौलुस शायद सुसमाचार को अच्छे से अब समझ गया, क्यों परमेश्वर ने उसे जेल में डाला. So that was the first group of people who were preaching. ये इस प्रकार का एक पहला झुंड था जो यीशु का प्रचार कर रही थी. The second group were preaching out of goodwill and love for Paul. और जो दूसरा झुंड था वह पौलुस के और परमेश्वर के प्रति प्रेम था और अच्छे मनसा से वह प्रचार कर रहे थे. Now, scholars have argued about who these people were that were putting Paul down. अब विद्वान लोग इस बात पर विवाद करते कि ये कौन से लोग थे जो पौलुस को नीचे दिखाना चाहते थे, उसके विरोध में थे. Some think that they were Jews who had become believers in Jesus, but were demanding that anyone who believes in Jesus, including Gentiles, needed to obey the law. यदि मान लीजिए एक यहूदी वो यीशु पर विश्वास लेकर के आता है तो उसके लिए ये भी जरूरी है और साथ ही साथ अन्य जातियों के लिए भी कि वो व्यवस्था का पालन करे, व्यवस्था के अनुसार से चले. They were arguing that salvation comes through faith in Jesus Christ and faith alone. वे लोग इस बात पर विवाद कर रहे थे कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही आता है, केवल विश्वास मात्र ही करना है. But they would add, now that you're a Christian, you have a responsibility to obey the law. लेकिन अब उन्होंने इस बात को जोड़ दिया और वो कहते हैं कि नहीं, अब उन्हें व्यवस्था भी पालन करने की आवश्यकता है और व्यवस्था के अनुसार से चलना है. You need to be circumcised. उन्हें खतना करवाने की आवश्यकता है. You need to observe the Sabbath. सबत का पालन करना है. You need to observe all the feasts and festivals. सारे पर्वों का पालन करना है और उसको पूरे रीति से मानना है. You need to eat a kosher diet. और उन्हें कोशर भोजन ही करने की आवश्यकता है जो व्यवस्था के अनुसार से हो, कोशर भोजन ही ग्रहण करने की आवश्यकता है. And of course, Paul was the apostle to the Gentiles. और निश्चित तौर से पौलुस जो था अन्य जातियों के लिए वो प्रेरित ठहराया गया था, वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित था. And so these people would have been stirring up all kinds of opposition to Paul. और मेरे विचार से शायद ये सारे लोग पौलुस का विरोध कर रहे होंगे. And Paul's response to them is fascinating. और उनके प्रति जो पौलुस उत्तर देता है वो बहुत ही रोचक और अद्भुत है. He says in verse 18, but what does it matter? वो 18वें वचन में कहता है इसके क्या मायने हैं? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे बहाने से या चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इसे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा. Mano, this would be a very difficult thing to do. और मानो ये करना काफी कठिन है. For those who would oppose us, who are followers of Jesus, Paul says, I'm not mad at you. I rejoice that Christ is preached. जो यीशु के अनुयायी होकर भी
उसका विरोध करते हैं, उनसे पौलुस कहता है, मैं तो इस बात से आनंदित हूँ कि मसीह का प्रचार होता है। I've received all sorts of letters and comments over the years that are very negative. मैंने पिछले वर्षों में कई ऐसे खतों को प्राप्त किया या कमेंट मुझे मिलते हैं जो कि बहुत ही नकारात्मक हैं। And my natural tendency is to argue with everybody and show them how stupid they are. और मेरा स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि मैं उनसे विवाद करता हूँ और उन्हें दिखाता हूँ कि वे कितने मूर्ख हैं। Because I like to argue. मुझे विवाद करना पसंद है। But not Paul. लेकिन पौलुस को नहीं है। He doesn't argue with. वो उनके साथ विवाद नहीं किया। He doesn't put them down. उसने उन्हें नीचा नहीं दिखाया। He doesn't say what's wrong with what they say. उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो कह रहे वो गलत है। He says I rejoice that Christ is preached. वो ये कहता है, मैं तो इस बात से आनंदित हूँ कि मसीह का प्रचार हो रहा है। You will recall that one day the disciples came to Jesus. आप याद करेंगे, एक दिन जब वो चेले यीशु के पास आए। And they said, we saw someone casting out demons in your name, and we rebuked him because he's not one of us. और वे यीशु से आकर के कहने लगे कि हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमारा झुंड का तो नहीं है, पर तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। And Jesus says, don't rebuke him. He who is not for me is against me. यीशु कहता है, उसे मत डांटना या मना नहीं करना, क्योंकि जो मेरे लिए नहीं है वो मेरा विरोधी है। So Paul says, I am able to rejoice even when people inside the family oppose me. पौलुस ये कहता है, मैं आनंदित हूँ जो भी कि मेरे अपने ही लोग मेरे बैरी हैं। So when everything goes wrong in our life, what should we do? जब हमारे जीवन में सब कुछ गड़बड़ी होगा तब हम क्या करेंगे? Number one, we are to turn our circumstances into an opportunity to share the good news of Jesus Christ. हमें अपने विषम परिस्थिति को एक ऐसे अवसर में बदलना होगा जिसमें हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। And when we share Jesus out of the depths of our own personal despair, it has an intensity and a passion that make people listen. और जब हम यीशु मसीह का प्रचार अपने स्वार्थ से बाहर हटकर दिल की गहराई से विषम परिस्थितियों में भी जब हम करेंगे तब ये जाकर लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। And number two, an opportunity to encourage others. And number three, an opportunity to rejoice. दूसरा, हमें उन विपरीत परिस्थितियों को वो अवसर बनाना है कि हम दूसरे लोगों को उत्साहित कर सकें। और तीसरा, हम इन परिस्थितियों में आनंदित हों।